जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इंसिडेंट हुए थे, इसमें अभी तक दिल्ली पुलिस 18 FIR रजिस्टर कर चुकी है और इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक हमने 106 आदमियों को अरेस्ट किया है और भी अभी प्रोसेस में है, और भी जल्दी हम अरेस्ट करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जितने भी मिसक्रीडेंट्स हैं, जिन्होंने भी ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमारे पास CCTV फुटेज है और भी पुख्ता एविडेंस है, उसी के आधार पे हम अभी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा आज मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने सफिशेंट फोर्स एरिया में डिप्लॉय की थी और एडिशनल पैरामिलिट्री की कंपनीज भी डिप्लॉय की गई थी। सीनियर ऑफिसर्स भी वहाँ थे, सीनियर ऑफिसर्स भी मॉनिटर कर रहे थे, क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। अलग अलग एरियाज में हमने सीनियर ऑफिसर्स खुद जो है वो PCR कॉल्स को मॉनिटर कर रहे थे। इसी के मद्देनज़र आज कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। जैसे कि आपने देखा है, जो PCR कॉल्स भी आ रही है उसको भी बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, और आज जो कॉल्स हैं PCR कॉल्स हैं वो भी काफ़ी कम आई हैं। रूट मार्चेस किए गए हैं, सीनियर ऑफिसर्स द्वारा रूट मार्चेस किए गए हैं, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, एक्सटेंसिव हमने जो ड्रोन्स की है उसके माध्यम से भी सर्विलेंस की है। जो एक प्रॉब्लम आई थी, पुलिस को फेस करनी पड़ी थी कि जो छतों से पत्थर वगैरह फेंके गए थे जिससे काफ़ी स्टाफ को चोटें भी आई थी, उसको आज ड्रोन से हमने छतों को चेक किया है और वहां से रिमूव भी किया गया है, और जिस जिस जगह पे ऐसे पत्थर वगैरह पाए गए हैं उस पर भी हम लीगल कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा मैं और कहना चाहूँगा कि हमारा जो 112 नंबर है, इस पर भी हम आम पब्लिक को अपील करेंगे कि वो हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकता है, कोई भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो बता सकता है। इसके अलावा दो नंबर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के हम और आपसे आपके माध्यम से पब्लिक से शेयर करना चाहेंगे। ये दो नंबर हैं 2282 9334। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये नंबर 2282 9334। और इसके साथ एक नंबर और मैं आपसे शेयर करना चाहूँ, आपके माध्यम से पब्लिक से शेयर करना चाहूँगा, 2282 9335। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, 2282 9335। ये दो नंबर नहीं, 2282 9334 4 और लास्ट में 5 जो लास्ट नंबर है, और दूसरा नंबर है 2282 9335। हाँ, ये दो नंबर है, हम अभी प्रेस रिलीज में भी ये नंबर आपसे शेयर करेंगे। और इससे हम फिर लोगों को यही अपील करना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए उनको 112 में प्रॉब्लम आती है जहाँ वहाँ थोड़ा टाइम लगता है, तो इन दो नंबर्स पे भी आप कोई भी प्रॉब्लम आप बता सकते हैं। अगर कहीं भी आपको किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है, किसी हेल्प की ज़रूरत है, वो आप बता सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप शेयर कर सकते हैं, ये हम नंबर मैन करेंगे। इसके अलावा मैं फिर पब्लिक को आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि रूमर्स पे बिल्कुल ना जाएं। सिचुएशन दिल्ली पुलिस ने पूरी कंट्रोल की हुई है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, और आज जैसे आपने देखा, आप भी फील्ड पे रहे हैं और लगातार पेट्रोलिंग की गई है। और इसके अलावा मैं अपील के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देना चाहूँगा कि कोई भी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, मिसक्रीडेंट्स हैं, उनके खिलाफ अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर। इसमें एक चीज बताइए, एक चीज बता दीजिए सर, कैमरे